क्योंकि हमारे ग्रंथों में कहा गया है ना अन्यों द समम दानम समाना ना तिथि द्वादशी समा ना गायत्रो परो मंत्रो ना मातुम देवताम, यानी कि अन्य जल से बड़ा दान कोई नहीं है और तिथि द्वादशी से बड़ी कोई नहीं है, गायत्री मंत्र से बड़ा कोई नहीं है। तो उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग हर साल मौनी अमावस्या या जो भी पावन पर्व आता है उसमें हम लोग, चाहे वो निर्जला एकादशी हो, मौनी अमावस्या हो, बसंत पंचमी हो, अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार हम लोग दान धर्म के हिसाब से भंडारे का आयोजन करते हैं। हर जगह भंडारा चल रहा है। हाँ जी, हर जगह चल रहा है, बस प्रभु करा रहे हैं, हम कौन आने वाले कौन होते हैं, हर जगह प्रभु करा रहा है और इस समय तो हर जगह राम लहर है और खुशी दुगनी तिगनी है। हमारे मंदिर प्राप्त हुआ है, हम लोग को राम जी हमारे आए हैं और उसी में सबका उत्साह है, तो इस बार ज्यादा से ज्यादा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हर साल मौनी अमावस्या के दिन युवा आयुर्वेदिक यह है ये करवाती है भंडारा और सबको इससे प्रसाद मिले और हम लोगों को इससे बहुत ही खुशी होती है। बस यही चाहते हैं कि हर साल भगवान ऐसी ही हमारे पर कृपा करे और हर साल मौनी अमावस्या के दिन हम लोग ये भंडारा करवाते हैं, सब लोग प्रसाद से खुश हों, संतुष्ट हों। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। युवा आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से हर साल की तरह मौनी अमावस्या के दिन शुभ दिन पर महाभंडारा आयोजित किया जाता है। अभी निर्जला एकादशी के दिन भी फिर से भंडारा आयोजित करेंगे हम लोग। तो बस अच्छा दिन है, अच्छा काम करेंगे, अच्छा फल मिलेगा।